नमस्कार, मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देख रहे हैं छड़ानाकपुर लाइव। सुबह की 5 बजे की स्पेशल बुलेटिन में स्वागत है। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट। तो झारखंड की 25 बड़ी खबरों को जानने से पहले, यदि आपने हमारा चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करते और वीडियोस को लाइक शेयर जरूर करें। बात करें दिन की, तो आज है 12 जून दिन है बुधवार, हिंदी तिथि शुक्ल सप्तमी, सूर्योदय का समय 5:11:19, सूर्यास्त का समय 6:57:10। तो चलिए इसी के साथ फटाफट दिन के इतिहास पर नजर डाल लेते हैं। जून के महीने में भारत की आबोहवा इस कदर गर्म और तपिश से भरी होती है कि सब कुछ खोलने सा लगता है, लेकिन 1975 में देश की सियासत की तपिश इतनी ज्यादा थी कि उसने मौसम की गर्मी को भी पीछे छोड़ दिया था। दरअसल इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 12 जून के दिन देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को चुनाव में सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल का दोषी ठहराते हुए उनके निर्वाचन को अमान्य करार दिया था। दुनिया के इतिहास पर नजर डालें तो अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई करने वाले अश्वेत नेता नेल्सन मंडेला को सरकार के खिलाफ साजिश का दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा मिली थी। तो इसी के साथ चलिए 25 बड़ी खबरों की ओर बढ़ते हैं। तो पहली बड़ी खबर रांची से आ रही है, जहां बनते ही ठह गया 32 करोड़ का जल मीनार, संवेदक 5 साल के लिए ब्लैकलिस्ट। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने जल जीवन मिशन के तहत मेदिनीनगर में 32 करोड़ की गादी खास कचरी ग्रामीण जलापूर्ति योजना को लेकर वासुगांव में निर्मित जल मीनार बनते ही ढह जाने के मामले को गंभीरता से लिया है। विभाग ने इस मामले में ठेकेदार मेसर सूरज देव सिंह एंड सन्स के कार्य को निम्न गुणवत्ता का बताते हुए तत्काल प्रभाव से 5 वर्षों के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया है। वहीं देखिए अगली बड़ी खबर पाकुड़ से है, जहां आंबड़ापाड़ा में 2 लड़कियों से गैंगरेप मामले में मुख्य आरोपी रावण सोरेन सहित 2 लोग गिरफ्तार। आंबड़ापाड़ा थाना क्षेत्र के बागापाड़ा गांव के जंगल में 2 लड़कियों के साथ हुए गैंगरेप के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी रावण सोरेन और एक अन्य अप्राथमिकी आरोपी पतरस मुर्मू को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपी आंबड़ापाड़ा थाना क्षेत्र के बड़ा तालीडी गांव के रहने वाले हैं। दोनों आरोपियों की स्वास्थ्य जांच कराकर जेल भेज दिया गया है। बात पूरे मामले की करें तो सामूहिक दुष्कर्म की पीड़िता दोनों लड़कियां 6 जून को मोबाइल बनाने के लिए अपने घर से निकली थी। वे दोनों पाडरकोला बाजार पहुंची, वहां से अपने परिचित रावण सोरेन को फोन कर पाडरकेला में होने की जानकारी दी। रावण मोटरसाइकिल से पाडरकेला पहुंचा, वहां से दोनों लड़कियों को लेकर आमलापाड़ा बाजार ले गया। आमलापाड़ा बाजार से नाश्ता करके दोनों लड़कियों को लेकर डुमरीचूर गांव में लगे साप्ताहिक हाट ले गया। वहां से बागपाड़ा जंगल गया और अपने साथियों को फोन करके बुलाया। इसके बाद करीब 11-12 लड़के मौके पर पहुंचे और दोनों लड़कियों को अलग अलग ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। वहीं देखिए अगली बड़ी खबर सरायकेला से है, जहां खड़काई नदी से खुलेआम हो रही है बालू चोरी, पुलिस प्रशासन मौन। सरायकेला थाना क्षेत्र में खड़काई नदी के गोहिरा घाट से खुलेआम बालू की चोरी हो रही है। गोहिरा एवं जोटा गांव में जगह जगह बालू डंप कर रात में इस बालू के खेल को अंजाम दिया जा रहा है। दिन भर सैकड़ों सेफ्टी बालू स्टॉक किया जाता है और रात में हाईवा में बालू लोड कर जमशेदपुर भेजा जाता है। सवाल यह है कि ये खेल खुलेआम सड़क किनारे चल रही है। सड़क से गुजरते राहगीरों को ये बालू के पहाड़ दिख जाते हैं, लेकिन सरायकेला थाना को यह नजर नहीं आती है। बालू माफियाओं की माने तो उनकी सेटिंग ऊपर से नीचे तक है। इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है मधुर महतो म्यूजिक ने। यदि आप नागपुरी गाने पसंद करते हैं तो अभी सर्च कीजिए मधुर महतो म्यूजिक और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कीजिए। वहीं देखिए अगली खबर की बात करें तो ट्रक ने जीटी रोड पर खड़े हाईवा को मारी टक्कर, चालक की मौत। निरसा गोविंदपुर सीमा स्थित तेतुलिया NH2 कोलकाता लेन पर मंगलवार की तड़के निरसा की ओर जा रहे LP ट्रक ने अनियंत्रित होकर NH2 पर पूर्व से खड़े ब्रेकडाउन हाईवा संख्या JH01AL2860 को जोरदार धक्का मार दिया, जिससे ट्रक चालक फैज मोहम्मद की मौत हो गई। बताया जाता है कि LP ट्रक के धक्के से फैज मोहम्मद गंभीर रूप से, वो खलासी मोहम्मद सदाम मामूली रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के बाद चालक घायल अवस्था में केबिन में ही दबकर तड़पता रहा, कुछ देर बाद बेहोश हो गया। पुलिस व NHI ने क्रेन से केबिन को खींचकर सीधा किया और फैज को आनन फानन में केबिन से बाहर निकालकर इलाज के लिए SNMMCS धनबाद भेज दिया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं देखिए लोकसभा चुनाव को लेकर एक अहम जानकारी, 244 में से 213 प्रत्याशियों की जमानत जब्त। राज्य में संपन्न लोकसभा चुनाव में किस्मत आजमाने उतरे कुल 244 प्रत्याशियों में से 176 उम्मीदवारों को 1% से भी कम वोट मिले हैं। केवल 30 प्रत्याशी ही 10% से अधिक वोट हासिल कर सके हैं, जबकि 38 उम्मीदवारों को कुल वोट में से 1 से 5% के बीच वोट मिले हैं। विभिन्न सीटों पर चुनाव लड़ने वाले कुल 213 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई है। मालूम हो कि लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए सामान्य वर्ग के प्रत्याशियों को जमानत के रूप में ₹25,000 जमा करना पड़ता है, जबकि आरक्षित वर्ग ST/ST के प्रत्याशियों को ₹12,500 जमानत राशि देनी होती है। प्रत्याशी के कुल वोटों का 6% से कम लाने पर जमानत राशि चुनाव आयोग जब्त कर लेती है। वहीं देखिए अगली महत्वपूर्ण खबर है लोयाबाद से, जहां ATM मशीन में टेप चिपकाकर कोलकर्मी का ₹3,000 निकाला।
स्वाति ठगों ने बद्दाडी स्थित SBI की ATM मशीन में टेप चिपकाकर मंगलवार को BCCL कर्मी रामेश्वर बेलदार को 3,000 रुपए का चूना लगा दिया। लोयाबाद में ATM में टेप चिपकाकर पैसे उड़ाने की यह चौथी घटना है। भुक्तभोगी रामेश्वर बेलदार तेतुरमारी का रहने वाला है। उसने बताया कि पुरवाना करीब 10 बजे बद्दाडी स्थित ATM पैसे निकालने गया था। मशीन में कार्ड डालकर 3,000 रुपया निकासी का प्रोसेस किया, लेकिन ATM से पैसा बाहर नहीं निकला। वहां से निकलकर कुछ ही देर गया था कि मोबाइल पर पैसे निकासी का मैसेज आ गया। इसके बाद भागे भागे ATM मशीन भी पहुंचा तो उसमें टेप चिपका हुआ था। उन्होंने बताया कि साथी अपराधियों ने मशीन में टेप चिपकाकर पैसे निकाल लिया। वहीं देखिए अगली खबर कोल्हान के लिए है, जहां रोड व पुल बनेंगे और 172 करोड़ रुपया खर्च होंगे। लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता हटते ही पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और पश्चिमी सिंहभूम जिला में पथ निर्माण विभाग और REO ने रोड निर्माण, पुल निर्माण व ड्रेन निर्माण की पहल की है। इसमें 172 करोड़ रुपए का विकास कार्यों की नई आधारभूत संरचना निर्माण की जाएगी। सब कुछ ठीक रहा तब 1.5 से 2 माह बाद चिन्हित योजनाएं धरातल पर उतरेगी। धनबाद में मामूली बात में कर दी दुकानदार की हत्या, नाती का फोड़ा सिर, दोनों आरोपी गिरफ्तार। झारखंड के धनबाद जिले के बागमारा थाना क्षेत्र के हरणा बाजार में गुरुवार की रात करीब 10 बजे गुमटी के आगे पेशाब करने से रोकने पर दो युवकों ने वृद्ध दुकानदार पन्नालाल साव की मारपीट कर हत्या कर दी। इलाज के लिए धनबाद ले जाने के क्रम में रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। आरोपियों ने दुकानदार के नाती विकास कुमार साव के साथ भी मारपीट कर सिर फोड़ दिया। धनबाद में उसका इलाज चल रहा है। मृतक के 3 बेटे व 1 बेटी है। वो हरिहरपुर थाना क्षेत्र के कोरकोटा गाँव का रहने वाला था। मामले में बागमारा पुलिस ने आरोपी बरौर थाना क्षेत्र के नवाड़ी गाँव निवासी दिनेश गोप व राहुल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ईडी की कार्रवाई के बाद पद से हटाई गई तुपदाना ओपी प्रभारी मीरा सिंह, रांची SSP ने किया लाइन हाजिर। तुपुदाना ओपी प्रभारी मीरा सिंह के खिलाफ ईडी की कार्रवाई के बाद SSP चंदन कुमार सिन्हा ने उन्हें पद से हटा दिया है और उन्हें लाइन हाजिर कर दिया है। बता दें कि ईडी ने गुरुवार को तुपुदाना ओपी प्रभारी मीरा सिंह और उनके सहयोगी लाल मोहित नाथ सहदेव के ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान ईडी की टीम को मीरा सिंह के यहां से एक डायरी मिली थी जिसमें बालू के अवैध कारोबार की डिटेल्स मिली थी। 8 मोबाइल भी बरामद किया गया था। लाल मोहित नाथ सहदेव के घर से 15 लाख से अधिक कैश और जमीन के कारोबार से जुड़े दस्तावेज भी मिले थे। लातेहार पुलिस को मिली बड़ी सफलता, लूट की योजना बनाते 6 अपराधी हथियार के साथ गिरफ्तार। झारखंड के लातेहार जिले के बरवाड़ी थाना क्षेत्र के केचकी संगम के पास गुरुवार को लूटपाट की योजना बना रहे 6 अपराधियों को पुलिस ने हथियार के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ये लातेहार के अलावा अन्य जिलों में भी लूटपाट की वारदात को अंजाम दे चुके हैं। इस आशय की जानकारी पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन ने शुक्रवार को अपने कार्यालय के सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में दी है। पलामू के ग्रामीण बैंक से 6 लाख रुपए की लूट, 3 अपराधियों ने मिलकर दिया घटना को अंजाम। पलामू में 3 अपराधियों ने मिलकर एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है। जिले के पड़वा इलाके में स्थित ग्रामीण बैंक से 6 लाख रुपए की लूट की गई है। सभी अपराधी ग्राहक के रूप में बैंक पहुंचे और पिस्तौल का भय दिखाकर वारदात को अंजाम दिया है। बताया गया कि सभी अपराधी हथियार से लैस थे। घटना को अंजाम देने के बाद सभी लोग बाइक से भाग निकले। पुलिस बैंक और आसपास में लगी CCTV फुटेज की जांच कर रही है। शादी से ठीक पहले दूल्हा ने मांगा दहेज, बाइक व 2.5 लाख रुपया नहीं देने पर बारात आने से किया इनकार। दहेज पर रोक को लेकर यूं तो कई कानून बने हैं, लेकिन आज भी बेटियां दहेज के लिए मार दी जा रही हैं। कई जगहों पर बारात लौट जा रही है तो कहीं शादी से ही इनकार कर दिया जा रहा है। ताजा मामला गुमला जिले के सिसे थाना क्षेत्र का है, जहां दूल्हे ने शादी से ठीक पहले दहेज की मांग पूरी नहीं करने पर बारात लाने से मुकर गया। दूल्हे के भाई ने सिसे थाने में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। थाने में केस दर्ज कर लिया गया है। NIA ने भाकपा माओवादी के पोलित ब्यूरो सदस्य विनोद मिश्रा को धनबाद से किया गिरफ्तार। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को पुनर्जीवित और मजबूत करने की साजिश रचने के मामले में वांछित एक माओवादी को झारखंड के धनबाद जिले से गिरफ्तार किया है। NIA ने गुरुवार को एक बयान में ये जानकारी दी है कि विनोद मिश्रा भाकपा के पोलित ब्यूरो का सदस्य है और वो फरार चल रहा था। इसी क्रम में उसकी गिरफ्तारी की गई है। झारखंड में लागू नहीं हो पाया पेशा कानून, अगले वर्ष केंद्र से रुक सकता है 600 करोड़ का ग्रांट। झारखंड में दी प्रोविजन ऑफ दी पंचायत पेशा लागू नहीं हो पाया है। देश के 7 आदिवासी बहुल राज्यों ने इसे लागू कर दिया है। इसमें ग्राम सभा को अधिकार दिया जाने का प्रावधान है। झारखंड में भी पेशा का ड्राफ्ट फाइनल हो गया है। पहले ड्राफ्ट के बाद पंचायती राज विभाग ने आपत्ति मांगी थी। इसमें आई आपत्तियों को विधि सम्मत शामिल कर सहमति के लिए राज्य सरकार के विधि विभाग के पास भेज दिया गया है। विधि विभाग में ये संचिका अक्टूबर में भेजी गई है। विधि विभाग की सहमति के बाद इसको लागू करने की दिशा में आगे की प्रक्रिया की जाएगी। राज्य के 4,500 पंचायत में 2,067 पंचायत पेशा के अधीन आती है।
केंद्र सरकार 1300 करोड़ का अनुदान देता है। राज्य की इन पंचायतों में लगभग 600 करोड़ का अनुदान अगले वित्तीय वर्ष में रुक सकता है। इस वित्तीय वर्ष में केंद्र सरकार ने कुछ शर्तों के साथ अनुदान दे दिया था। इधर वर्तमान ड्राफ्ट को लेकर कई संगठनों की अलग अलग राय है। कुछ संगठन इसका विरोध तो कुछ समर्थन कर रहे हैं। झारखंड में भारत सरकार ने पेशा एक्ट को लेकर इसी सप्ताह एक क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया था। इसमें झारखंड सरकार से जल्द इसको लागू का आग्रह किया गया था। इसके बाद ये मुद्दा एक बार फिर से जोर पकड़ने लगा है। पलामू में हैवान पिता ने पार की दरिंदगी की सारी हदें, अपने ही नाबालिग बेटी की हत्या कर दफनाया। चैनपुर थाना क्षेत्र के सलतुआ गांव में मथुरा सिंह नामक व्यक्ति ने अपने 15 वर्षीय पुत्री पम्मी कुमारी की हत्या कर शव को जंगल में दफना दिया। जानकारी के मुताबिक आरोपी अक्सर गांजा से नशे में धुत रहता था। ये घटना सोमवार की बताई जाती है। घटना के बाद से आरोपी फरार है। ग्रामीणों ने इसकी सूचना गुरुवार की शाम चैनपुर थाना को दी, जिसके बाद चैनपुर थाना प्रभारी सोनू कुमार चौधरी जवानों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। मैजिस्ट्रेट चैनपुर अंचलाधिकारी चंद्रशेखर कुमार की मौजूदगी में सेवरी नदी के समीप कटवाल दहा के पास खोदे गए ट्रेंच से शव को निकाला गया है। झारखंड की 25 बड़ी खबरों की बुलेटिन में बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपनों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जोहार।